जान रंबो और आप देख रहे हैं जान रंबो यूट्यूब चैनल। अभी 4-5 दिन पहले उमर साहब का चेहलम हुआ कराची में और उमर साहब की बड़ी यादें हैं, बड़ी बातें हैं और एक वीडियो लगाई थी लाइफस्टाइल विद साहिबा पे, आपने वो देखी थी छोटी सी, तो उस पर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास उमर साहब की बहुत सारी फुटेज हैं ऐसी जो घर में आते थे, हम महफिल करते थे, बैठते थे, गपशप लगाते थे, हंसते हंसाते थे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाया, आमीन सुमा आमीन। और फिर मैंने आपसे ये कहा था कि मैं बाकी की वीडियो जो है बहुत सारी है हमारे पास, तो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। अब ये वीडियो मैं अपलोड करने लगा हूँ और इसके बहुत सारे पार्ट बनेंगे, 8-8, 7-7, 10-10 मिनट के 10-15-20 पार्ट बन जाएंगे, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा जब वो हमारे घर आते थे और किस तरह हम बातें करते थे, किस तरह हंसते खेलते थे, खाते पीते थे। और बड़ी यादें हैं, उमर साहब को कोई भी भूल नहीं पाएगा, कभी भी भूल नहीं पाएगा। और हमारे साथ तो बहुत टाइम गुजरा। पहले में आप देखेंगे कि रीमा शादी करके जब फिल्म इंडस्ट्री को खैर बात कह के चली गई थी और जब वो वापस आई तो पहली दो दफ़ा तो वो टाइम नहीं दे सकी, उनका तीसरा टूर था तो मैंने घर में उनके लिए खाना रखा, रिसेप्शन रखा और सरप्राइज था कि मैंने कहा आप आ जाएं घर खाना खा लें, तो उन्हें नहीं पता था कि आगे ये कुछ होगा और आगे कौन कौन था, क्या था, कैसे था, वो आप देखेंगे। और हमने उसको कैसे वेलकम किया रीमा जी को। टाइम चला जाता है लेकिन बड़ी यादें छोड़ के चला जाता है, लेकिन उमर साहब का जिक्र जब भी आता है तो दिल भर आता है। ये वो वीडियोस हैं जो आज से 8 साल पहले 7 साल पहले हमने रिकॉर्ड की, हम घर में रखी हुई थी, हम देखा करते थे, तो वो आपसे शेयर करते हैं। उसमें भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो प्राइवेट होती हैं, हम फ्री करते हैं बातें, वो तो आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बड़े मज़े की बातें होंगी। उमर साहब ने कितना हंसाया, कितनी बातें की, सारी सारी रात माइक उनके हाथ में रहता था, ज़रा थकते नहीं थे और खाने का जिक्र बहुत करते थे, खाते बहुत थोड़ा थे और वो खिलाते बहुत खुशी से थे। उनके घरों में भी हमने बहुत खाने खाए, वो बड़ी खुशी से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से खिलाते थे और इतनी इतनी डिशेस बनवाते थे, इतनी इतनी डिशेस मंगवाते थे कि लगता था कि किसी का वलीमा है। खैर अब बातें ही हैं तो उनकी यादों को ताज़ा करते हैं, तो आपने ये सिलसिला जो मैं अभी शुरू करने लगा हूँ इसको मिस मत कीजिएगा, इसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे तो आपने देखना है। तो पहला देखते हैं जब रीमा पाकिस्तान आई शादी के बाद मेरे घर में पहली दफ़ा, और उनका इस्तकबाल कैसे किया और उमर साहब ने क्या रौनक लगाई, आइए देखते हैं।
अल्लाह की फजल से ये तीसरा विजिट है और हर विजिट पर माशाल्लाह इतना प्यार इतनी मोहब्बत, मगर ये वाला जो रिसेप्शन आज साहिबा रेंबो और मिशुबाजी ने दिया है, ये मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं रोना नहीं चाहती इस वक्त, मगर मैं इतना कह सकती हूँ कि मुझे इनकी दोस्ती पर इतना मान है, इतना मान है कि मेरे ख्याल में मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ। तो आपने देखा पार्ट वन, और ये भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के कितने बड़े बड़े नाम थे, और बहुत मज़ा आया करता था, हम लोग इकट्ठे होते थे। और अभी तो उमर साहब के हाथ में माइक नहीं आया, और अगले पार्ट में उनके हाथ में माइक भी आएगा, फिर जो वो रौनक लगाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उमर साहब के लिए दुआ करें कि रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब खातमन नबीयीन रहमतुल्लालमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जितने भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं सरकार दो आलम के उम्मती, अल्लाह ताला सब की मगफरत फरमाए। और अगले पार्ट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रब रखा। आप देख रहे हैं जान रेंबो यूट्यूब चैनल, टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना।